शिव को, श्री शिवाय गणेश को हम सुनते हैं आज गणेश चतुर्थी के उपाय। तो आपको कथा में वर्णन किया था 33 कोटि देवताओं को भले बेलपत्र नहीं चढ़ेगा, पर 33 कोटि देवताओं को शमीपत्र चढ़ता है, और उसमें एक गणेश जी महाराज और एक बाबा भोलेनाथ, इन दोनों को शमी समर्पित होता है। कथा में पहले भी वर्णन किया, आज फिर आपको समझ लेना बहुत अच्छे से, जो आपको करना है रिद्धि सिद्धि पाने के लिए, संपदा को बढ़ाने के लिए। शिव महापुराण की कथा कहती है और गणेश चरित्र अपन श्रवण कर रहे हैं। जिसके घर में संपदा की कमी पड़ती हो, बीमारियां ज्यादा फैल रही हो, बहुत कष्ट हो महाराज, बहुत ज्यादा दुखी हो महाराज, कोई काम नहीं बन रहा, बहुत तकलीफ में हो, तो शमी पत्र, शमी की पत्ती, जहां गणेश जी का स्थान है वहां पर 5 शमी पत्र, 5 समर्पित करें, और शंकर जी के ऊपर 3 शमी पत्र समर्पित करें। बहुत ध्यान देना, 5 शमी पत्र जहां गणेश जी का स्थान है शिवलिंग में वहां समर्पित करें, 3 शमी पत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित करें, 1 शमी पत्र शंकर जी की चौखट पर लेफ्ट भाग में, जाते समय आपका उल्टा हाथ, जब मंदिर से निकलो तो उल्टे हाथ पर लेफ्ट भाग में शंकर जी की चौखट पर समर्पित करें 1 शमी पत्र। और महाराज घी का दिया जहां लेफ्ट भाग में आपने शमी पत्र रखा है, मंदिर में ना दिया लगाकर बाहर की ओर जहां शमी पत्र रखा है उसके ठीक साइड में एक घी का दिया लगा दीजिए। केवल गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक गणेश पुराण कहती है भगवान गणेश जी का, मोर ध्वज का, मयूर ध्वज गणेश का नाम लेकर जो ये दीप शमी पत्र चढ़ा देता है, उसके घर से कभी रिद्धि सिद्धि नहीं जाती, वैभव प्रतिष्ठा नहीं जाती। कर देखना अगले साल तक आपका व्यापार कितना चलता है, हमको बताना जरूर, करके देखो एक बार। गणेश पुराण का, शिव महापुराण का ये प्रसंग करिए, जीवन में उतारिए, चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक गणेश जी का मूल स्थान। आपको गणेश जी की मूर्ति पर चढ़ाने का नहीं बोल रहा, क्यों नहीं बोल रहा है? क्योंकि गणेश जी की आप प्रतिष्ठा करोगे तो वो टेम्परेरी है, 10 दिन के लिए कर दिया फिर वापिस विसर्जन कर दिया, पर जहां शंकर मंदिर में बैठ गए, शिवलिंग स्थापित हो गया, वहां ना जाने कितने समय से शंकर की आराधना हो रही है, वहां गणेश जी सदा विराजमान है। और देखो ये 10 दिन में अगर आपने शमी पत्र बिल्कुल मन से समर्पित करा है ना, तो मेरा विश्वास कहता है शुमा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और पंडित जी के उपाय चढ़ाएंगे ना तो कुछ ना कुछ